हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत मेरे चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं पोकेमोन स्वॉर्ड एंड शील्ड का एपिसोड नंबर 1 का रिव्यू, और इस पर पूरा एपिसोड होगा। तो पहले बता दूँ, ये शुरुआत स्टोरी होती है एस की, मतलब पहला टाउन से स्टोरी शुरू होती है। जो ये स्टोरी है पहले की स्टोरी, पास्ट की स्टोरी है। इस जब एस छोटा बच्चा था और एस बहुत जोश में था, प्रोफेसर ओक ने एक कैंप का आयोजन किया था। जब एस बहुत जोश में था कैंप पर जाने के लिए, पर वह समय ऐसे सोते ही रहता है, बहुत आलसी लड़का है, इसलिए ऐसा पे पहला पोकेमोन लेट हो जाता है। फिर इस और अभी मेन हमारे जो एंटागोनिस्ट एपिसोड के उस पर हम फोकस करने जा रहे हैं। ये एपिसोड है हमारे प्यारे पीचू का, मतलब जब पिकाचू जब छोटा था, जब पीचू था, जब की स्टोरी है। तो जब पीचू छोटा था, जब वो एक से भी लड़ चुका है, ये जेम्स का पहले बता देता हूँ, जैसे का नहीं मीन, और एक कॉफ़ी से उसे कॉफ़ी भी दिखते उससे, पर वो समय एकदम अकेला सा महसूस करता था पीछे, मतलब वो तो जब उस समय स्मोक्सिन छोड़ते जब और नीचे गिरता, जब वो मिलता है वाइट कंगेज खान के, एक कंगेज खान से मिलते हैं वाइट कंगेज खान से, और वो उसे उसका एकदम परिवार से मान लगता है, और वो पीछे वो कंगेज खान के साथ ही रहना चालू कर देता है, मतलब उसके साथ खाता है, मतलब उसके साथ खाता है, और उसके बच्चों के साथ खेलते हैं, मतलब पीछे हाँ जब ऐसा बहुत स्टोरी दिखाते हैं, मतलब तुम्हें सबको मैं एपिसोड की लिंक दे दूँगा, डिप्रेशन फुल एपिसोड की लिंक। तो हम पहुँच चुके प्रोफेसर ओक की हम कैंप में पहुँच चुके, मतलब ये हमारा गो है, मतलब हमारा ट्रेनर है, मतलब ऐसे जो सेकेंड ट्रेनर आता है वो ही है, और जो भी पेन है, मतलब सीजन के अंदर इसकी स्टोरी भी दिखाएंगे, मतलब ऐसी इसलिए उसका पोकेमोन कैंप छूट जाते हैं इस बार भी, और सपने पोकेमोन कैंप भी देखता है। और जब प्रोफेसर ओक बोलते हैं तुम कौन हो, सब बातें करते हो सब, तो अपने और एक ट्रेनर दिखाई देती है, उसका नाम है कोहारू, मतलब ये भी ट्रेनर है, वो मतलब अब एक एक्स थर्ड ट्रेनर आएंगे, मतलब ये आगे, और वो प्रोफेसर कोरिची इसका नाम कुछ है इसका नाम, उसके साथ मतलब केदार जाके प्रोफेसर उसके साथ जाएंगे, मतलब प्रोफेसर ये पिक, तो ऐसे भाग के आते, मतलब वो फिर सेलेक्ट हो गया ना उस बार सोते, तो वो एकदम नॉलेज एकदम मैच देखते सबसे पहले, सब मतलब न्यू स्टार्टर टेंडर है तक उसको मैच देखते हैं, तो वो पोकेमोन कैच बोलते हैं, वो इन्फॉर्मेशन देते हैं। जब हमारा गो रहता है वो बहुत ही स्मार्ट रहता है, मतलब उसके बहुत सारे पोकेमोन के बारे में नॉलेज रहता है, तो सब के बारे में बताते हैं वो, ये पोकेमोन रिलेटेड सब ऐसा बहुत बताता है, मतलब वो तो सब उसको एकदम अजीब समझने लगते हैं, कि वो मतलब उसको इतने सब पोकेमोन पता है, इनको एक बिंग में पता है, इतना नॉलेज भी नहीं है टोटली सब उसको, पर प्रोफेसर उसे अजीब नहीं समझते। तो वो बोलते हैं, तो जब बातें करने लगते हैं, मतलब जब तुम ऐसा इतना अजीब रहोगे तो तुम्हारा कोई दोस्त नहीं बनेगा, तो हमारी ये जो गो है उसे कोई चिंता नहीं। वो बोलता है मेरा सपना है कि मेरे को एकदम रेप पोकेमोन पकड़ूँ जो किसी के पास ना हो। तो ऐसे बातें करते दोनों और सब मत करते, और अचानक को कुछ दिखाई देता है, तो एकदम कितने फनी पस बने इस पर लोगों ने, तो उसे दिखता है हमारा मिथिकल पोकेमोन म्यू। तो एक राइडर के साथ लड़ते हैं, मतलब फिर फर्स्ट बैटल में हमारा एक राइडर के साथ हमारा युद्ध दिखाते हैं, मतलब लड़ाई दिखाते हैं। ये एपिसोड बैक स्टोरी, मतलब अपन जब भी इस तरह फाइट थी पोकेमोन की, दो म्यू इसके एनिमेशन बहुत अच्छे है, फिर वो भागने लगते हैं, म्यू जब उसका पीछा करते हैं गौरव, तो चला उन्हें मैगमर दिखाई देता है, पता चलता है वो मैगमर म्यू ही है, मतलब उसने अटैक करा था, मतलब ट्रांसफॉर्म अटैक करा था। फिर भागते भागते अचानक वो एक टॉरस में बदल जाता है, फिर भागते और आगे भागते जब एक लैपटॉप के अंदर चेंज हो जाते हैं वो, हाँ उसका पीछा करते मतलब गो उसका पीछा करते हैं, मतलब वो चाहता है कि मतलब उसको पकड़ना चाहता है, पकवान कौन सा है। फिर वो उसे यहाँ पे फिर से हमें पीछे स्टोर पर रहती है, फिर आज यहाँ पे उसका बच्चा गायब हो जाता है, कंगी खान का उसे ढूंढने लगता है कंगी खान से, और वो बच्चा मिक्स खेलता है उस समय, तो अचानक वो जो खेलते खेलते वो एक पहाड़ी पे गिर जाता है, हम उसको देख के उसे देखता है, तो उसे एक साइटिक अटैक करके उसके माँ उसे ढूंढ लेती है, हाँ पैती, इसलिए उसकी माँ को सभ्यता से, और जो उसकी माँ रोने लगती है, और
इधर थोड़ी इमोशन चल जाता है, मतलब माँ अपने बच्चे से ऐसे थोड़ी इमोशन सीन चलते हैं उस समय। फिर वो गो देखता है, फिर अचानक वो सोचता है वो कौन था, तो चुने खबर प्रोफेसर वो कहते हैं। और फिर उन्हें क्या गौर को हर उनसे वो बात करते हैं, मतलब क्या हो उनके साथ एक जो पकवान देखा उसको देखा तो प्रोफेसर बताते हैं हाँ एक न्यू नाम मिथिकल पकवान है, वो यहाँ पे के डीप जंगलों में रहता है, तो मतलब बहुत पावरफुल है, एक मिथिकल पकवान है, एक तो रेयर पकवान जो सबसे अलग अलग पकवान है, और कोई भी पकवान का रूप ले सकता है, वो मिथिकल पकवान है। ऐसा थोड़ा बात बताता है प्रोफेसर और उन्हें। तो जब से गो सोच लेता है मैं मी को पकड़ के रहूँगा, मतलब ऐसा ड्रीम बन जाता है मी का। और उस फिर मी फिर से जंगल में चल जाता है। फिर एफ एस अफसोस बैठता है, मतलब प्रोफेसर कैंप में जा नहीं पाया पकवान कैंप पर। फिर वो बारिश गिरती है जब मी को गंगे से भागते हैं, जब उस समय मी पीछे को लगता है वो उससे कोई अच्छा नहीं रहा, उसकी सिर्फ परेशानी बढ़ा रहा है, तो वो मीचो रहता है पीछे, मतलब उनको लगता है मुझे और इसकी परेशानी बढ़ना चाहिए। इसलिए जब रात होती है जब पीछे वहाँ से निकल जाता है उसको छोड़ के, पन उसको देखे बहुत दुख होता है, पन पीछे वहाँ चला जाता है। और पीछे वो सब हमें याद करके थोड़ा खुश होता है, और उसको इतना मीचो खुद पीछे खुश हो गया था सोच के, पिछु उस समय इवॉल्व हो जाता है, मतलब थोड़ा इमोशनल हो जाता है। और ये पिछु हमारा रहता है, ये पिछु हमारा वही पिकाचू है जो हम एनिमे में बचपन से देखते आए हैं। मतलब ये थी हमारे पिछु की स्टोरी, ओरिजिनल स्टोरी, ये कोई जियो आने का प्लाट पकड़ नहीं है। फिर ऐसा फिर वो थोड़ा फिरता है पिछु से जंगलों के अंदर, थोड़ा फिरता है, फिर हम ऐसा फिरता है ऐसा पूरा। फिर हम लोग आए थे पोकेमोन के फर्स्ट एपिसोड पे, आई चूज यू एज सोते रहते हैं एज हमारा आलसी लड़का बहुत है, मतलब वो जागते जब से लगते हैं मेरे पोकेमोन ले जाना चाहिए, एकदम बहुत आलसी दोस्तों मान के से मैं इतना तो मैं भी नहीं हूँ। फिर भागते हैं प्रोफेसर के कैंप में, मतलब हमारा बोल सिंपल भाषा में बोल देते ये हमारा फर्स्ट एपिसोड है पोकेमोन का जिसमें ऐसा हमारा पहला पोकेमोन मिला था, और जो पहला पोकेमोन था वो था हमारा प्यारा पिकाचू। और एस उसे अपने पार्टनर से चुनता है, मतलब एस उसे चूज करते हैं, मतलब पहला पोकेमोन एस। और जब उसे एस जब फर्स्ट टाइम मिलते हैं जब वो झटके है तो वो सीन भी दिखाया जाता है, पर इसमें इस बार पहले एपिसोड से एनिमेशन बहुत अच्छे है, और जो टाइम का एपिसोड है उसके बहुत अच्छे एपिसोड है। फिर एस उसे देखता है, फिर चालू करता है ऐसा अपनी जर्नी, और सब ऐसा बहुत सारा जर्नी करते हैं, अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है, और ऐसा हर जगह घूमता है, हर एपिसोड है पूरा जाते हैं। पर छल्ले छल्ले कुछ वो थोड़े गौर को हर को दिखाते हैं, मतलब उनका आगे कैसे, मतलब ये है वो सिटी है यहाँ पर, हमारे पहले दिखाते कोहरू, फिर हमें दिखाते पोकेमोन को, हर एपिसोड यही हो जाता है पूरा। तो आई होप तुम सबको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो अच्छा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। एंड्रॉइड आउट।